नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। बीपीएल सर्वे में नाम जुड़वाने के सैकड़ों ग्रामीणों ने किया एक दिवसीय भूख हड़ताल। खबर छिंदवाड़ा से, जहां मोहखेड़ विगत माह खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत हुए बीपीएल सर्वे में तत्कालीन सचिव राधेश्याम पवार एवं पटवारी फागुलाल माटे द्वारा पात्र परिवारों को अपात्र घोषित किए जाने एवं पटवारी माटे द्वारा लेनदेन एवं नेताओं के इशारे पर अपात्र लोगों को पात्र घोषित किए जाने से गुस्साए ग्रामीण जनों ने तत्कालीन सचिव पर उचित कार्रवाई एवं पटवारी हटाओ को मुखेड़ तहसील कार्यालय के सामने एक दिवसीय विशाल धरना एवं भूख हड़ताल की गई। ये गरीबों के जो नाम काटे गए हैं पूर्व सचिव राधेश्याम पवार द्वारा रात के 8 बजे पंचायत में फर्जी तरीके से नाम काटकर और शासन को गुमराह करके वो सूची दी गई है, उसी सूची को पटवारी माटे के द्वारा सर्टिफाइड करके तहसील ऑफिस में दी गई, जिससे 216 गरीब परिवार आज भूख मरने की कगार पर हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर आज एक टाइम का दाना नहीं है और उसी को लेकर आज हम लोग भूख हड़ताल और धरने पे बैठे हैं, किंतु मुखेड़ तहसीलदार के कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। रेत की तस्करी में संलिप्त होने के बाद लाखों रुपए कमाने वाली है तहसीलदार, हम गरीबों की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। तो मुख्य मुद्दा तो ये है कि पात्रों के नाम कटे गए जी, इस संबंध में पहले जांच करवाएंगे जी, उसके बाद उच्च अधिकारियों से संपर्क के बाद का। पहली बात तो ये है कि उनको जो है कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, इस संबंध में हमको कोई ऐसी वो नहीं थी, सरपंच द्वारा जरूर हमको एक सूचना दी गई थी जी। तो देखते हैं। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।